हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एवरीथिंग और बॉडी बिल्डिंग यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैंने पहले भी कई सारे रिव्यूज़ कर रखे हैं, रिव्यू और अनबॉक्सिंग, जैसे कि सोया मिल्क पाउडर का, हॉलिक्स प्रोटीन प्लस का और मसल ब्लेज वे प्रोटीन बिगनर का, उन सब के लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो इन सब के मैंने रिव्यू ऑलरेडी कर रखे हैं और आज मैं एक और नई रिव्यू वीडियो लेकर के आया हूँ, वो है मसल ब्लेज रॉ वे प्रोटीन की। जी हाँ दोस्तों, मैंने मैंने 2-3 दिन पहले ऑर्डर करा था, स्नैपडील से आ गया मेरे पास, तो सबसे सस्ता मुझे उसी पड़ा था तो मैंने मंगवा लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास पैकेज आ गया है, ये रहा। इसके अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और दिखाएंगे आपको अंदर किस तरह से है और थोड़े बहुत मैं आपको इसके बारे में बता दूँगा। तो चलिए इसके अनबॉक्सिंग करते हैं सबसे पहले। यहाँ से इस तरह से है, ये देखिए पैकेज मैंने खोल दिया है, यहाँ इस तरह से दिख रहा है। मैं इसको बाहर निकालता हूँ, ये देखिए, ये रहा हमारा मसल ब्लेज का रॉ वे प्रोटीन। ये मैंने अभी खोला है, तो आप ही के सामने मैंने खोला है, देख सकते हैं अभी अभी आया था पैकेज। मैं कहा कि सबसे पहले आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो इस तरह से है, मैंने जब ऑर्डर कराया था वहाँ पे जो फोटो दिखाई गई थी वो तो पुरानी फोटो थी, जो पुराने ऑर्डर आते हैं मुझे लगा उस तरह से होगा, मगर इन्होंने नई पैकेज में भेजा है इसको, जो अभी लेटेस्ट चल रही है। ठीक है, सील वगैरह यहाँ पे लगी, आप देख सकते हैं। मैंने कोड वोड से इसको स्कैन करके देख लिया था, यहाँ पे ऐसे है कोड वगैरह था, यहाँ से स्कैन कर लिया था और वैसे देख लिया था ओरिजिनल है ये, सील वगैरह इसमें अच्छे लगी है सब है। तो चलिए अभी इसकी सील खोल के मैं आपको अंदर इसके दिखाता हूँ। और खोलने पर ये भी बता दूँ, ये मेरा वैसे मेरा दूसरा प्रोटीन है। सबसे पहला मेरा जो प्रोटीन था समझ लीजिए वो था मसल ब्लेज का ही, इससे पहला बिगनर का, उसका मैंने बताया आपको रिव्यू कर रखा है, उसको आप चेक कर लीजिएगा ऊपर। तो अब इसको मैं खोलता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने सील उतार दी है, ये सील मैंने अलग कर दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मुझे ऐसे मिल गया है कुछ इस तरह से सील ओपन करने का, तो मैं इसको खोलता हूँ। और ये मैंने अनफ्लेवर्ड में मंगवाया है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, रॉ वे प्रोटीन है, आप देख सकते हैं फ्लेवर वेवर कुछ नहीं है इसमें। तो अब इसको खोलता हूँ मैं, देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर सील लगी हुई आपको मिलेगी। देखिए जब आप खरीदेंगे तो यहाँ प्रॉपर आपको सील दिखी लगी हुई मिलेगी मसल ब्लेज की MB। तो अब इसको भी अनबॉक्स करते हैं। गई है, देखो ये मेरी सील खुल गई है, ये देखिए अलग हो गया। अंदर आपको इस तरह से दिखेगा, मैं कैमरे से एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ये देखिए इस तरह से आपको दिखेगा, अंदर आपको स्कूप नजर आ रहा होगा, ऐसे है कलर इसका, है ऑफ व्हाइट टाइप में इसका कलर है, ऐसे दिख रहा है। तो मैं बता दूं, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं कि इसकी स्मेल वगैरह उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि अनफ्लेवर्ड है, मैंने पहली बार मंगवाया है, मुझे इससे पहले मैंने मसल ब्लेज बिगनर का मंगवाया था तो उसको खाया, उसका स्मेल भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, मिक्सिबिलिटी भी अच्छी थी, सब मैंने करके देख लिया। जैसे अब इसके बारे में आती है, अब इसको देखेंगे कि किस तरह से है, ये तो है अनफ्लेवर्ड, इसका टेस्ट वगैरह बाकी पता नहीं, अभी टेस्ट करके देखूँ, तो जा करके अभी टेस्ट करूँगा वीडियो ख़त्म होने के बाद, बाकी फिर मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा किस तरह से था। तो अब इसमें अब आपके रिव्यू वगैरह में किस, तो अब दोस्तों इससे बात करते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू की। इसमें तो जो बिगनर वाले से इसमें प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि रॉ वे प्रोटीन है, तो इसके न्यूट्रिशन वैल्यू है इसमें आपको पर सर्विंग में मिलेगा 24 ग्राम प्रोटीन, यानी 24 ग्राम प्रोटीन आपको पर सर्विंग में मिलेगा। तो इसको आप पोस्ट वर्कआउट में यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा इसमें पोस्ट वर्कआउट में वाटर के साथ काफ़ी जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए आपको जो प्रोटीन मिल जाएगा वो काफ़ी सही मिलेगा। तो जब आप इसको वाटर में मिक्स करके पी लेंगे तो आपका 24 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है पोस्ट वर्कआउट में।
और बाकी फिर अपनी आप नॉर्मल मील कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी इसमें वही रिकमेंडेड यूजेज वगैरह लिखे हैं, यहाँ पे यूजेज वगैरह लिखे हैं, या न्यूट्रिशन लेबल है इसमें, जैसे हर उसमें होता है हर प्रोडक्ट में। यहाँ पे लिखा है अर्ली मॉर्निंग, पोस्ट वर्कआउट, इन बिटवीन मील्स में ले सकते हैं, बेड टाइम पे ले सकते हैं। ये थे उन्होंने अपनी तरफ से यूजेज वगैरह इसके बताए हैं। तो यहाँ पे लिखा है, और एक और चीज़ लिखी है इसमें, इंग्रेडिएंट वे प्रोटीन कंसनट्रेट, नो एडिड फ्लेवर, नो एडिड शुगर, वे प्रोटीन कंसनट्रेट 80% पाउडर। तो यहाँ पे 80% पाउडर इन्होंने बताया कि यह है। बिगनर लोग वगैरह भी ले सकते हैं, बिगनर भी ले सकते हैं, ऐसे बिगनर के लिए अलग से आता है वे प्रोटीन, उसका बता रखा है मैंने आपको ऑलरेडी कि बिगनर के लिए अलग होता है, मगर ऐसा कुछ खास नहीं है। बिगनर को वैसे भी ज़रूरत होती नहीं है वे प्रोटीन लेने की, क्योंकि बिगनर की तो वैसी बॉडी पहले से 3 से 4 महीने तो उनकी बॉडी को हैबिट बनने में टाइम लग जाता है जिम में, तो उनको तो ज़रूरत होती नहीं है वे प्रोटीन की, फिर भी चाहे तो ले सकते हैं। तो बाकी जैसे ये मसल बेस वगैरह हो गया, इसको तो हर लेवल के लोग यूज़ कर सकते हैं, इंटरमीडिएट एडवांस सब तरह के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। ये था मेरा अनबॉक्सिंग मसल ब्लेज वे प्रोटीन का, जो कि मैंने स्नैपडील से मंगवाया था। साथ साथ मैंने थोड़ी बहुत आपको इसके बारे में बता दिया, जितना मुझे इसमें दिख रहा था मैंने आपको बता दिया है। बाकी मैं इसको ट्राई करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि मुझे किस तरह के रिजल्ट मिल रहे हैं।